विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवालों की बारिश करने का एक भी मौका नहीं गवाता है। हर बार एक सवाल जरूर सुनने को मिलता है, वो ये है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से 2024 तक इन 10 सालों में देश के लिए मंदिर बनाने के अलावा किया ही क्या है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत की छवि कैसे बदली है। प्रधानमंत्री ने काले धन पर अंकुश लगाने के लिए 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान किया था। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST को लागू किया था, जिसका उद्देश्य देश में एक टैक्स सिस्टम को लागू करना था। मोदी सरकार 2.0 के सबसे अहम फैसलों में 3 तलाक को आपराधिक कृत्य घोषित करना है। 3 तलाक विधेयक को 1 अगस्त 2019 को संसद में पारित कराया गया था। इसे तलाक ए बिद्दत भी कहा जाता था। इसमें मुस्लिम पुरुष अपनी बीवी को 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे सकता था और उसे इसकी वजह भी नहीं बतानी पड़ती थी। 3 तलाक कानून को लागू करने का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाना और इस प्रथा पर रोक लगाना था। देश के जवानों पर उरी में हुए हमले के बदला लेने के लिए भारत सरकार ने 29 सितंबर 2016 को POK में नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक की घोषणा की थी, जिसमें आतंकवादी लॉन्च पैड्स तो नष्ट हुए ही, साथ ही इसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी भी मारे गए थे। मोदी सरकार के सबसे अहम फैसलों में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ ही सरकार ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसके अलावा लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, मान्य सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के PAK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को 2019 में संसद में पास किया गया। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देना है। 14 फरवरी को पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने CRPF के काफिले को निशाना बनाया था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। उसके 2 हफ्ते बाद ही 26 फरवरी 2019 को भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक कर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, जनधन योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम आवास योजना, हर घर जल योजना, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी और नमामि गंगे योजना की भी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही देशवासियों को दी है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती दी। उन्होंने गरीबों को फ्री राशन देने का फैसला किया। इसके अलावा उन्होंने वंदे भारत ट्रेनें और नए संसद भवन की सौगात भी देशवासियों को दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने से पहले देश में 723 के करीब यूनिवर्सिटीज थीं और आज हमारे देश में कुल 1186 यूनिवर्सिटीज हैं। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में
एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। देश के नेशनल हाईवेज की लेंथ में 60% इजाफा हुआ है। भारत में विकास की गति इतनी धीमी थी कि हमारे पास महज 74 एयरपोर्ट्स थे, जिनकी संख्या आज 149 हो चुकी है। हम सब जानते हैं कि पहले हमारे देश में 5 मुख्य मेट्रो शहर थे, आज 17 शहर मेट्रो सिटीज बन चुके हैं। देश में रोजगार को बढ़ावा मिला है, जिसके लिए स्टार्टअप की संख्या जो 350 थी उसे 112,718 से भी ज्यादा किया गया है। साथ ही 2022 में युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की भर्ती योजना अग्निपथ को शुरू किया गया था। पीएम मोदी के नेतृत्व में ही चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ और भारत चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी के साथ ही भारत आज रिन्यूएबल पावर एनर्जी का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है। अयोध्या विवाद के कारण देश में तनाव का माहौल था। ये देश का सबसे बड़ा धार्मिक विवाद होने के साथ ही कानूनी विवाद भी था। अयोध्या विवाद का हल भी मोदी सरकार 2.0 के पहले 6 महीने में ही हो गया था। वर्षों से कोर्ट की कार्यवाही में उलझे भगवान राम को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने अयोध्या में राम जन्मभूमि को ही राम का जन्म स्थान माना। कोर्ट के आदेश के बाद भारत सरकार ने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन करके भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया और ना जाने कितने सालों से टेंट में बैठे श्री राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजे। ये तो बस कुछ चुनिंदा काम है, इसके अलावा भी कई ऐसे कार्य हैं जिनकी बदौलत आज भारत की पहचान दुनिया भर में सशक्त देश के रूप में बन रही है। विदेश में अच्छे व्यवहार स्थापित करना हो या खेल में अच्छा प्रदर्शन करना, हम हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। फिर भी ये सवाल उठता है कि पीएम मोदी ने देश के लिए किया ही क्या है। भारत में 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने क्या क्या किया, उस पर ये हमारा पक्ष था। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।